सज्जनों पे, इस परिवार पर, इस माता रानी की छत्र छाया बन के रहे, इनका आशीर्वाद इसी प्रकार रहे, ये परिवार फले फूले। और जैसे यहाँ भजन हो रहे हैं माता रानी के, देखिए ये मौका, सत्संग बहाव भजन माता के जागरण कभी कभी नसीब में होते हैं। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं ये सत्संग किसी बड़ी भागी नहीं पाया है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और बताया जैसे ये हमारी बहनजियां हैं, तो हमारी मेरे स्टाफ की आमतौर पे आदत होती है, कहीं भी जाओ सबसे पहले यही देखती है, ये जीजिया कड़े बनवाए या साड़ी कड़े लाई। और एक दो मारे बहन जी जैसी इधर मुंह दिखा दे, ए मुंह तो एक जैसा ही रहे, कोई काली कोई भूरी, बस ऐसा ही फर्क रहे है। तो किस प्रकार से वो भगतनी दूसरी भगतनी को समझाती है कि भगवान के भजन और भोजन दोनों ही ध्यान से करने चाहिए। जब हम भोजन ध्यान से करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति ठीक ठाक रहती है, और जब भगवान के भजन किसी भी परमात्मा को स्मरण करते हैं तो ध्यान से करना चाहिए। ये ना माड़ा हाथ में, अरे छोरा गिंडी नूरा ले लिया, ये नहीं होना चाहिए, दिल में भाव होना चाहिए। तो दूसरी सखी को बताती है कि हे सखी, जब माता या किसी भी देवता का स्मरण करे तो मन से स्मरण कर, दिल से स्मरण कर, इस ईश्वर से विनती करती है, तो ऐसी विनती कर कि खुद भगवान उतर के सामने आ जाए। और किस प्रकार से भगतनी दूसरी भगतनी को भजन के माध्यम से समझाती है, और कैसे समझा रहे हैं, अच्छा चुटकी तौर पर क्या ही होगा, यो यो क्या है, पकड़ जो आ गए ऊपर भगवान माया को, ओ मत कारा बेकारा माया को।
जाएंगे मेरे तो थारे तीर जाएंगे।